और आप ही पदाक्षी कार्यक्रम के सदस्य हमारे जिला के प्रेसिडेंट श्री गोपाल महाजन जी, उनके साथ हमारी कार्यकारिणी नेशनल कार्यकारिणी जो सदस्य हैं श्री श्री रेशम दोपरा जी, उनके साथ हमारी महिला मोर्चा की जो अध्यक्षा अभी नॉमिनेट हुई हैं, 3-4 महीने हो गए इनको, लेकिन आपके साथ टीम में आज पहली बार बैठना हुआ, श्रीमती सुषमा जी यहाँ की प्रभारी और पैरेंटल बॉडी में सेक्रेटरी श्रीमती नीलम जी, उनके साथ पिंकी जी हैं, चाहे जिला से हैं, मैं सबका एक बार धन्यवाद करती हूँ और आपको मुबारकबाद भी देती हूँ कि आज हमें बहुत अच्छे मौके से हम लोग मिले और एक नई टीम का जो गठन किया है हमारी छोटी ननद ही है ये सुषमा जी, तो एक बार आपने सभी का बहुत बहुत धन्यवाद कि आपने अपना टाइम निकाला। पूछना कि मैं डिस्ट्रिक्ट में हूँ या मैं जिला में हूँ या मंडल में हूँ, आपने काम करना, जैसे मेरे देवर ने अभी आपको एक बहुत बड़ा एग्जांपल दिया उपेश जी, इन्होंने सारी लाइफ अपनी जो है ना इसमें लगा दी, कम से कम इनको 26-27 साल हो गए होंगे जो इन्होंने अपना तन मन धन से अपने देश की सेवा की, अपनी पार्टी की सेवा की। और हमारी बीजेपी पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिस हमारी पार्टी में चाहे हमारे घर के मेंबर्स हैं, चाहे हमारे बच्चे हैं, सब हमारी पार्टी पे बहुत ज़्यादा विश्वास करते हैं। आप लोगों ने जैसे जैसे आपको दायित्व मिलेगा, जो भी दायित्व मिलेगा, बहुत अच्छे तरीके से निभाना है, क्योंकि आने वाले दो अगले साल, लेकिन MLA के इलेक्शन जो कुछ नहीं पता वो कब करवाएजेशन मिल जाता है, जिस स्कूल में एक टीचर है, प्रिंसिपल है, ये है, वो मिले, ये अपने मन में बिल्कुल नहीं रखना, यही कहना कि हमने कार्यकर्ता की तरह काम करें तो काम मिलेगा, कोई परेशानी आएगी आपकी अध्यक्षा जी को, किसी भी आप लोगों में से भी कोई बहन जो है वो डिस्ट्रिक्ट में भी जा सकती है, स्टेट में भी जा सकती है, नेशनल में भी जा सकती है, लेकिन आपका काम देखें, ये कहें कि मैं आज मीटिंग है मैं आज नहीं जाऊँगी, कल अगली मीटिंग में चली जाऊँगी, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। एक सोचेगी मैं नहीं जाऊँगी, दूसरी है वो भी सारी गठित हो चुकी है, मंडल की अध्यक्षाओं की टीम जो है वो भी गठित हो चुकी है, तो आज हमने ये बैठक रखी थी उसी के संदर्भ में जिला कार्यालय में, यहाँ पर सभी बहनें आई हुई हैं, जिले की बहनें भी हैं, मंडल की बहनें भी हैं, तो आज एक बैठक का आयोजन किया गया था जी। मैम बोलेंगे आज के बारे में, आज भाजपा जिला कार्यालय लगेट मोड़ कठुआ में हमारी जिला अध्यक्ष भाजपा महिला मोर्चा कठुआ आदरणीय सुषमा शर्मा जी, उन्होंने आज अपने पूरे ज़िले की मंडलों के आगे टीमें जो गठित की हैं उन सभी की आज एक परिचयात्मक बैठक रखी हुई थी, जिसमें आदरणीय जिलाध्यक्ष श्री गोपाल महाजन ने, आदरणीय रेखा कुमारी जी जो हमारे राष्ट्रीय सचिव हैं, और सभी जितने की जिले की टीमें मंडल सभी को बुलाया हुआ था, तो इसके लिए मैं सुषमा जी को ढेर सारी शुभकामनाएं देती हूँ। अंजय जी मैडम आज के प्रोग्राम के बारे में बताएं। भारतीय जनता पार्टी हमारा संगठन है, हमारी एक पद्धति रहती है कि हर 3 साल के बाद हम संगठन में चेंजिंग लाते हैं, टीम में चेंज करते हैं, तो उसी के संदर्भ में हमने जो कठुआ की टीम भी चेंज की है महिला मोर्चा की, तो आज जो नई टीम बनी है, नई टीम गठित हुई है, उसमें हमारे मंडलों के अध्यक्ष भी आई हैं, वो जो नवनियुक्त पूरी कठुआ डिस्ट्रिक्ट की टीम है उनकी आज पहली बैठक थी, जिसमें मुझे भी बुलाया गया था, मेरी बहन आदरणीय उपेश जी भी साथ हैं, हमारी आदरणीय बड़ी बहन आरती जी भी, और सभी से इनके जो टीम के मेंबर हैं वो आज यहाँ पर उपलब्ध थे, तो उसी के उपलक्ष्य में हमने ये एक सम्मानित समारोह रखा था, छोटा सा कार्यक्रम रखा था, आज सभी बहनों को हमने धन्यवाद भी किया है हमारी पार्टी में आने के लिए और नए दायित्व संभालने के लिए, और इनको आज शुभकामनाएं भी दी हैं। हाँ जी गोपाल महाजन जी, आज के प्रोग्राम के बारे में कुछ जानकारी देंगे। देखिए पहले मैं सभी मीडिया के बंधुओं का बहुत बहुत स्वागत करता हूँ, आज बहुत खुशी का दिन है, आपने देखा आज हमारी जो महिला मोर्चा की जो टीम है जिसकी जिला की अध्यक्षा मेरी बहन सुषमा जी हैं, और हमारी बहुत ही प्रमुख कार्यकर्ता रेखा जी जो हमारी नेशनल सेक्रेटरी है, उपदेश जी जो हमारी राष्ट्रीय कार्यकारिणी सदस्य है, और हमारी आज जिला की जो महिला मोर्चा की टीम है उसकी घोषणा पिछले लगभग 4-5 दिन पहले हुई थी, तो आज सुषमा जी की पूरी टीम और हमारे जितने भी मंडल के अध्यक्ष हैं उनको आज पार्टी के ऑफिस में यहाँ पर बुलाया गया था, एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग उनकी रही है। मैं अपनी तरफ से सुषमा जी को पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बढ़िया इनकी टीम बनी है और बहुत बढ़िया बहनें
इन्होंने अपनी टीम में शामिल करी है, तो मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ इनकी जो टीम है वो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जिस प्रकार से एक समर्पित भाव के रूप में काम करता है वो ठीक उसी प्रकार से काम करेगी और महिला मोर्चा से हमेशा से ही पार्टी को बड़ी ज़्यादा अग्रणी सदस्य है। और हमारी आज ज़िला की जो महिला मोर्चा की टीम है उसकी घोषणा पिछले लगभग 4-5 दिन पहले हुई थी, तो आज सुषमा जी की पूरी टीम और हमारे जितने भी मंडल के अध्यक्ष हैं उनको आज पार्टी के ऑफिस में यहाँ पर बुलाया गया था, एक इंट्रोडक्टरी मीटिंग उनकी रही है। मैं अपनी तरफ से सुषमा जी को पार्टी की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बढ़िया इनकी टीम बनी है और बहुत बढ़िया बहनें इन्होंने अपनी टीम में शामिल करी है, तो मैं अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ और आशा करता हूँ इनकी जो टीम है वो भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता जिस प्रकार से एक समर्पित भाव के रूप में काम करता है वो ठीक उसी प्रकार से काम करेगी और महिला मोर्चा से हमेशा से ही पार्टी को बड़ी ज़्यादा अपेक्षा रहती है और आने वाले समय में महिला मोर्चा अपना एक बहुत बड़ा योगदान कठुआ जिला के अंदर दे, ऐसी शुभकामनाएं मेरी तरफ से सुषमा जी को, इनकी पूरी टीम को रहेगी। और रेखा जी नेशनल सेक्रेटरी हैं, कहीं ना कहीं मुझे लगता है इन्होंने भी आज इनको बहुत अपना आशीर्वाद दिया है, उपदेश जी ने दिया है और सब ने इनको अपना आशीर्वाद दिया है और कहीं ना कहीं आने वाले समय में आप देखेंगे भारतीय जनता पार्टी महिला मोर्चा जो है कठुआ ज़िला हमेशा बन रहा है। महिला मोर्चा के जितना भी पिछले दिनों काम हुआ है जब से हमारी पुरानी कार्यकर्ता जुड़ी हुई है तब से, तो आने वाले समय में और गति के साथ संगठनात्मक तरीके से ये लोग काम करें ऐसी बड़ी शुभकामनाएं हैं। और एक बार फिर से मैं सुषमा जी को बहुत बहुत बधाई देता हूँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, बहुत बढ़िया इनकी टीम है और बहुत बड़ा विश्वास पार्टी ने इन पर किया है और आने वाले समय में उस विश्वास पर